अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल यारियां के नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड नंबर 18 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमें जो है जुबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने इतनी घटिया चाल चली है, कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर जो जुबी है वो सादिया को अपने घर बुलाती है और सादिया से कहती है कि जो उमेर है वो अच्छा लड़का नहीं है, एक वक्त में उसकी दो दो लड़कियों के साथ दोस्ती रही है और ये इसकी फितरत है। तो सादिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सादिया के दिल में शक भी जाता है कि जुबी जो है जो उसकी पहले दोस्त रही है, जुबी उससे मोहब्बत करती थी, जुबी का उसके साथ बहुत वक्त गुजरा है, तो जुबी जो है वो सच ही कह रही होगी। जो कुछ भी कह रही है वो उमेर के बारे में वो सच ही होगा। उसके बारे में उसके अंदर शक जाता है कि जो उमेर है उसका वाकई ही किसी और लड़की के साथ भी जरूर चक्कर होगा। तो हमें लगता है कि जुबी की ये सबसे घटिया चाल है जो ये चल रही है। और जैसे ही सादिया ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके दिल में अब शक पैदा हो जाता है। और शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जुबी जो है वो पहले से उमेर को जानती है। और हमें सादिया के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उसने जुबी को कैसे माफ कर दिया, वो उसके ऊपर एक बार फिर से भरोसा कैसे कर सकती है और उसके दिल में इतना रहम कहाँ से आ गया। जुबी ने सादिया के साथ जो कुछ भी किया था वो एकदम से कैसे भूल सकती है। और जो सादिया जो है वो उमेर के साथ एक ही गाड़ी के अंदर बैठकर शॉपिंग के लिए जाती है और जो जुबी है वो सादिया के माइंड में यही गंदक बढ़ना चाहती है कि उमेर अच्छा लड़का नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, एक वक्त में दो दो लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है। और वो यहाँ पर गाड़ी में बैठे होते हैं तो उमेर जुबी की तरफ देखता है छोटे शीशे से, और जो जुबी है वो उमेर की तरफ देखती है और वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और एकदम से जो जुबी है वो सादिया को किसी चीज का इशारा करती है तो सादिया दूसरी तरफ देखने लगती है और वह जो जुबी है वो अपनी कोहनी का जो बाजू है वो उमेर के कंधे पर रख देती है पीछे कमर की तरफ। तो उमेर फिर कुछ भी नहीं कहता, वो आगे से कार चला रहा होता है आराम से और उसका ध्यान कार की तरफ ही रहता है। और हमें लगता है कि जुबी ने सारी हदें पार कर दी हैं, उसके पास कोई भी रिश्ता नहीं बचने वाला जैसी वो हरकतें कर रही है। और फिर ये शॉपिंग मॉल चले जाते हैं और फिर उमेर जो सादिया है दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं। सादिया ने एक कुर्ता उठाया होता है और उसको दिखा रही होती है कि ये कुर्ता तुम पर कैसा लगेगा। और एकदम से जुबी जो है वो व्हाइट कलर का कुर्ता उठाकर लाती है और उमेर के पीछे कमर में लगा देती है और कहती है कि ये तुम पर कैसा लग रहा है। उमेर उसे कहता है कि जुबी तुम ये क्या कर रही हो। तो आगे से जुबी कहती है कि मैं देख रही हूँ कि अहमर के ये कैसा लगेगा, तुम्हारा और उसके ऊपर एक ही जैसा साइज आता है, मुझे लगता है कि और तुम्हारे ऊपर जैसा लगेगा वैसा ही उसके ऊपर लगेगा और मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये बहुत कुर्ता जचने वाला है। और उधर से जो सादिया है ये सब कुछ देख रही होती है और वो बहुत हैरान होती है कि जुबी ये सब कुछ क्या कर रही है, क्या जुबी सब कुछ भूल चुकी है या वो इस तरह का जानबूझकर कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों जो जुबी है सबसे बड़ी चाल चलने वाली है, शॉपिंग मॉल में ही एक ही दिन में इतनी ज्यादा उसने हरकतें कर दी हैं। सादिया के दिल में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। जब वो शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो एक बच्चा नीचे गिर जाता है, सादिया उसको उठाती है और उधर से जो जुबी है वो एकदम से जल्दी जल्दी से लिफ्ट में चले जाती है। हालांकि जो उमेर है वो पहले से ही लिफ्ट में गया होता है, वो किसी के साथ फोन के ऊपर बात कर रहा होता है। सादिया पीछे उस बच्चे को उठाने में लगी होती है, जुबी उतने में लिफ्ट में चली जाती है और जाकर बटन दबा देती है ऊपर जाने के लिए। और जो उमेर है वो देखता है कि सादिया भी बाहर ही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। और सादिया जब उनके पास आती है तो लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो जाती है और फिर जो जुबी है वो नाटक से वज्जो वज्जो करती है और फिर उमेर लिफ्ट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक जुबी ने बटन दबा दिया होता है और लिफ्ट ऊपर चली जाती है। और जैसे लिफ्ट ऊपर चली जाती है तो सादिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो समझती है कि उमेर और जुबी के दरमियान अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है और वो अकेली ही रह जाती है। उसके दिल में यही आता है कि उमेर कभी भी मेरा नहीं हो सकता है और मैं इसी तरह हमेशा की तरह अकेली ही रहूंगी और अभी भी अकेली ही हूँ। दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि जुबी जो अपनी बहन के साथ जो कुछ भी कर रही है उसका बहुत खतरनाक अंजाम होने वाला है और ना ही जुबी के पास कोई रिश्ता बचेगा, ना माँ बाप का, ना बहन भाई का, ना शोहर का, ना सास का, कोई भी रिश्ता उसके पास नहीं बचेगा। दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है
क्या जूपी ये ठीक कर रही है सादिया के साथ या नहीं? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेशन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ही होता है, फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।